महाकवि कालिदास महाकवि कालिदास अपने समय के महान विद्वान थे उनके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था शास्त्रार्थ में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था अपार यश प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर एक बार कालिदास को अपनी विद्वता का खमंड हो गया उन्हें लगा कि उन्होंने विश्व का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब सीखने को कुछ बाकी नहीं बचा उनसे बड़ा ज्ञानी संसार में दूसरा कोई नहीं एक बार पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ का निमंत्रण पाकर कालीदास महाराज विक्रमादित्य से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर रवाना हुए गर्मी का मौसम था धूप काफी तेज और लगातार यात्रा से कालिदास को प्यास लगाई जंगल का रास्ता था और दूर तक कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी थोड़ी तलाश करने पर उन्हें एक टूटी झोपड़ी दिखाई दी पानी की आशा में वो उस ओर बढ़ चले झोपड़ी के सामने कुआं भी था कालिदास जी ने सोचा कि कोई झोपड़ी में हो तो उससे पानी देने का अनुरोध किया जाए उसी समय झोपड़ी से एक छोटी बच्ची मटका लेकर निकली बच्ची ने कुएं से पानी भरा और जाने लगी कालिदास उसके पास जाकर बोले बाली के बहुत प्यास लग रही है जरा पानी पिला दे बच्चे ने कहा आप कौन हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं पहले अपना परिचय दीजिए। कालिदास को लगा मुझे कौन नहीं जानता मुझे परिचय देने की आवश्यकता? फिर भी बेहाल थे तो बोले बालिके अभी तुम छोटी हो इसलिए मुझे नहीं जानती घर में कोई बड़ा हो तो उसको भेजो वो मुझे देखते ही पहचान लेगा मेरा बहुत नाम और सम्मान है दूर दूर तक मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ कालिदास के बड़बोलेपन और घमंड भरे वचनों से अप्रभावित बाले का बोली। आप असत्य कह रहे हैं संसार में सिर्फ दो ही विद्वान हैं और उन दोनों को मैं जानती हूँ अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं तो उन दोनों का नाम बताइए थोड़ी देर सोचकर कालिदास बोले मुझे नहीं पता तुम ही बता दो मगर मुझे पानी पिला दो मेरा गला सूख रहा है बालिका बोली दो बलवान हैं अन्न और जल भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दे देखिए तेज प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी है कालिदास चकित रह गए लड़की का तर्क अटके था। बड़े से बड़े से विद्वानों को पराजित कर चुके कालिदास एक बच्ची के सामने निरुत्तर खड़े थे बालिका ने पुनः पूछा सत्य बताइए, कौन है आप वो चलने की तैयारी में थी कालिदास थोड़ा निम्र होकर बोले बालिके मैं बच्चों ही हूँ मुस्कुराते हुए बच्ची बोली आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं संसार में सिर्फ दो ही बच्चों ही हैं उन दोनों को मैं जानती हूँ बताइए वो कौन है तेज प्यास ने पहले ही कालिदास जी की बुद्धि क्षीण कर दी थी लेकिन लाचार होकर उन्होंने फिर अनभिज्ञता व्यक्त कर दी बोली आप स्वयं को बड़ा विद्वान बता रहे हैं और यह भी नहीं जानते कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके जाने वाला बटोही कहलाता है ही दो ही हैं एक चंद्रमा और दूसरा सूर्य जो बिना थके चलते रहते हैं आप तो थक गए हैं भूख प्यास से बेदम हो रहे हैं आप कैसे बटोही हो सकते हैं कितना कहकर बालिका ने पानी से भरा मट मत, मटका उठाया और झोपड़ी के भीतर चली गई अब तो कालीदास और भी दुखी हो गए इतने अपमानित वे जीवन में कभी नहीं हुए प्यास से शरीर की शक्ति घट रही थी दिमाग चकरा रहा था उन्होंने आशा से झोपड़ी की तरफ देखा तभी अंदर से एक वृद्ध निकली उसके हाथ में खाली मटका था वो कुएं से पानी भरने लगी अब तक काफी विनम्र हो चुके कालिदास बोले माते प्यास से मेरा बुरा हाल है भर पेट पानी पिला दीजिए बड़ा पुण्य होगा बूढ़ी मां बोली बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं अपना परिचय दो अवश्य पानी पिला दूंगी कालिदास ने कहा मैं मेहमान हूँ कृपया पानी पिला दे तुम मेहमान कैसे हो सकते हो संसार में दो ही मेहमान हैं पहला धन और दूसरा यौवन इन्हें जाने में समय नहीं लगता सत्य बताओ कौन हो तुम अब तक सारे तर्क से पराजित हताश कालिदास बोले मैं सहनशील हूँ पानी पिला दें नहीं सहनशील तो दो ही हैं पहली धरती जो पापी जो पापी पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है उसकी छाती चीर कर बीज देने से भी अनाज के भंडार देती है दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं तुम सहनशील नहीं सच बताओ कौन हो कालिदास लगभग मूल छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला कर बोले मैं हठी हूँ फिर सत्य हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरा केश कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं सत्य कह कहे ब्राह्मण कौन है आप पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुकी कालिदास ने कहा फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ नहीं तुम तो मूर्ख कैसे हो सकते हो मूर्ख तो ही हैं पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है कुछ बोल ना सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे उठो बस ये आवाज सुनकर जब कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए शिक्षा से, से क्या माता है, है ना कि अहंकार तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे इसलिए मुझे तुम्हारे एक शू खोलने के लिए ये स्वाम करना पड़ा कारीदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भर पेट पानी पीकर वह आगे चल पड़े धन्यवाद तो दोस्तों आप मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं तो दोस्तों मेरी वीडियो को थम्स अप तो करके दीजिएगा ठीक तो मुझे Next video need a banana kill and Bye-bye.